Hey guys, welcome to my channel. आज का मेकअप डेट नाइट विद हबी है और मैं इसके अलावा ये अपनी जैकलिन हिल पैलेट से दो ट्रांजिशन शेड लेके और ये मैं अपने अपर लिट पे लगा रही हूँ. उससे पहले मैंने कंसीलर लगा लिया है. उसके बाद ये मेरे ब्लू आई शेड हैं दूसरी पैलेट के, वो मैंने अप्लाई किए. इसके बाद ये जैकलिन हिल के दो आई शेड हैं ब्लैक एंड ब्राउन, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ. और इसको मैं इस तरह से रख कर उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी. ब्लेंडिंग यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेकअप का. ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है मेकअप के लिए. और जब तक ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका आई शेड खूबसूरत नहीं लगेंगे. अगर आप चाहते हैं कि आई शेड बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे से मर्ज हुए हुए लगें ब्लेंड हुए हुए लगें तो उसके लिए आप उसको अच्छी तरह ब्लेंड करें. उसके अलावा ये मैं जैकलिन हिल में से ही एक आई शेड लेके एज अ हाइलाइटर मैं ये इस एरिया में लगाऊंगी अपने, ठीक है, इस तरह से दोनों साइड पे लगाऊंगी. इसके बाद मैं अपनी आई लैशेज लगा लूँगी. आई लैशेज से पहले मैंने आई लाइनर नहीं लगाया, आज मैंने डिफरेंट स्टाइल में थोड़ा मेकअप किया. थोड़ा सा लाइट आई शेड्स हैं ये और विंटर के हिसाब से किए हैं ये मैंने अपने ड्रेस के थीम को लेते हुए इस तरह से. और मैं बाद में इसमें लाइट्स बिल्कुल लाइट सा लाइनर स्मर्ज करूँगी ब्रश की मदद से. ये देखें इस तरह ये मैंने लगा लिया. अब उसके बाद में ये हाइलाइटर अपनी आईब्रो के नीचे भी अप्लाई कर लूँगी इस तरह से. अब ये मैं अपना फाउंडेशन ले रही हूँ, ठीक है, ये फिट मी फाउंडेशन है. इस तरह से ये मैंने लिया और उसको अपने फाउंडेशन ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया फेस पे. शुरू में लाइट मैं ऑन करना भूल गई थी, अब मैंने लाइट ऑन की है तो अब ज़्यादा अच्छा आप लोगों को दिख रहा होगा. इस तरह से ये मेरा एज रिवाइन कंसीलर है. ये मैं अपने क्यूपिड बो पे और चिन बॉल पे और आइस के नीचे और फोरहेड पे मैं अप्लाई कर लिया है. अब इसके बाद ये मैं अपना कंसीलर ब्रश से टैप टैप करके इस तरह से मैं इसको ब्लेंड करूँगी पूरे फेस पे जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है. और फिंगर टिप्स की मदद से भी मैं इसको थोड़ा सा सेट करूँगी. ये देखें इस तरह से ये मैं इसको टैप टैप करके अच्छी तरह से सेट करूँगी. उसके बाद ये मेरा सेफोरा का सेटिंग स्प्रे है. ये मैं ब्यूटी ब्लेंडर पे टू स्प्रे करके और उसको वेट करके देन अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे जो फाउंडेशन और कंसीलर वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए ब्लेंड हो जाए और मेरा मेकअप बहुत फ्लॉलेस और बहुत नेचुरल और बहुत अच्छी सी स्किन लगे मेरी. तो ये किसका राज है सीक्रेट एयरस्पन का, ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है जो मैं अपने आइस के नीचे लगा रही हूँ. ज़्यादा नहीं लगा रही क्योंकि सर्दियाँ शुरू हैं, थोड़ा सा ड्राइनेस है, ज़्यादा नहीं बिल्कुल हल्का सा. अब इसके बाद ये जो दो ब्लू शेड्स हैं मेरे जैसे आई शेड को ही लेते हुए उससे मिलते जुलते ही मैं अपने आइस के नीचे ये वाटर लाइन के नीचे ये मैं लगा रही हूँ इस तरह से ताकि मेरे जो आई शेड हैं एक बैलेंस और एक कम्प्लीट लुक आए. अब ये मैं अपना कंटूरिंग कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह से इस तरीके से ये मैं लेके कंटूर कर रही हूँ. कंटूरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइप के मेकअप में. आपके फेस के जो फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से नुमाया जाते हैं. ये पीछी सा मेरा क्या कहते हैं मैं भूल गई, ब्लश ऑन है, अटक गई मैं, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक्स पे, एप्पल ऑन योर चीक्स. देन उसके बाद ये मैं थोड़ा सा हाइलाइटर इस तरह से लेके ये मैंने अपनी नोज पे भी लगाया है थोड़ा बहुत इस तरह से. और इसके बाद ये मैं अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह से लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ. और लिपस्टिक के पहले आउटलाइन अप्लाई किए मैंने, देन उसके बाद ये मैंने अपनी लिपस्टिक अप्लाई करी हूँ. ये बेज कलर है मेरा, कोई भी बेज कलर जो आपको पसंद हो वो आप अप्लाई कर सकते. बेज कलर मेरा फेवरेट है और मैं इस टाइप के कलर बहुत शौक से लगाती हूँ जब मेरा आई मेकअप हैवी होता है. देन उसके बाद ये मेरा फाइनल लुक है, आप लोग देख सकते हैं. और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा. और अगर मेरा मेकअप पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा.
और जो बेल आइकन है उसको दोबारा प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले जो मेरी वीडियो आए तो वो आपको मिले नोटिफिकेशन के थ्रू। तो ये मैं अपना ड्रेस भी दिखा दूँगी आपको। दुआओं में बहुत याद रखिएगा और मैं जा रही हूँ, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बाय बाय।